आप देख रहे हैं प्रदेश का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल रेडरेट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि पटेल। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। खबर छिंदवाड़ा से, जहां बांदोरना दो गांवों के बीच 300 सालों से खेला जा रहा खूनी खेल को लेकर कई बातें हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि प्रेम विवाह के विरोध में दोनों गांव के बीच चले पत्थरों से परंपरा की शुरुआत हुई, लेकिन यह परंपरा हर साल पोला पर्व के दूसरे दिन मनाई जाती। गोटमार तमाम पाबंदियों के बीच खेला गया परंपरा से जुड़े इस खूनी खेल में 400 से अधिक लोग घायल हुए। हालांकि सरकारी आंकड़ों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 38 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद मंदिर में झंडा समर्पित किया गया। जाम नदी पर पांडुना और सावर गांव के संगम पर परंपरागत गोटमार मेला आयोजित हुआ। पत्थरबाजी की इस अनूठी परंपरा के सांकेतिक रूप से देने के लिए प्रशासन के सारे प्रयास विफल रहे। धारा 144 के बीच सुबह 8 बजे से पत्थरबाजी का दौर शुरू हुआ। दिन भर घायलों के मेडिकल कैंप में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। रात 8 बजे प्रशासन ने मध्यस्थ करते हुए झंडे की पांडोना की ओर खींच लिया, लेकिन दोनों पक्ष पत्थरबाजी पर अड़े रहे। आखिरकार दोनों पक्ष की शांति समिति की मध्यस्थता से पत्थरबाजी रोकी गई। सावर गांव पक्ष ने पांडोना को झंडा सौंपा। पांडोना पक्ष ने 8:15 पर मां चंडिका के मंदिर में झंडा अर्पित कर गोटमार मेले का समापन किया। पांडोना में जो है गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें जाम नदी है, जाम नदी के एक तरफ सावर गांव है, दूसरी तरफ पांडोना है। सावर गांव वाले जो है बीच नदी में पलाश के पेड़ पे झंडा गाड़ते हैं और उसी झंडा को लेकर के कसरत होती रहती है। उसी को लेकर के जो है ये गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। सालों से परंपरा है। आज जो है यहाँ पे 6 तरह का हमने कोर्स लगाया हुआ है। सावर गांव की तरफ अलग कोर्स लगा हुआ है, पांडुना की तरफ अलग कोर्स लगा है। कुछ कोर्स फिक्स पॉइंट में लगे हैं, कुछ नाकाबंदी व्यवस्था में है, कुछ मोबाइल व्यवस्था में है और बाकी रिजर्व कोर्स है। हमें जबलपुर जोन के जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी से भी कोर्स मिला है। इसके अलावा जो है 8वीं बटालियन का कोर्स मिला है, 6वीं बटालियन का कोर्स मिला है। करीब 1000 कर्मचारी आज ड्यूटी पे। सर, ये जो लगातार इस तरह का खेल हो रहा है, इस पर प्रशासनिक हस्तक्षेप कुछ होता है? देखिए, कई स्तरों पर बातचीत हुई है और लोगों को समझाने का भी प्रयास किया है। काफ़ी हद तक जो है वो प्रशासन की बात माने हैं, लेकिन अब चूंकि उनकी सालों पुरानी परंपरा है, एकदम से वैसी छूटेगी नहीं। तो हम लोग लगातार उनसे संवाद में हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है।